आर्म्ड फोर्सेज और सरकारी शाखाओं के पहले भी द का प्रयोग किया जाता है। आर्म्ड फोर्सेज और सरकारी शाखाओं के पहले भी द का प्रयोग होता है। द आर्मी, द नेवी, द जुडिशरी, द लेजिस्लेटिव इटीसी। आर्मी के पूर्व, नेवी के पूर्व, जुडिशियरी के पूर्व, लेजिस्लेटिव के पूर्व, ये सब सरकारी शाखा है और आर्म्ड फोर्सेज है, तो इनके पूर्व में द का प्रयोग होता है। द आर्मी, द नेवी, द जुडिशियरी, द लेजिस्लेटिव इटीसी। धर्म, धर्म ग्रंथ और जाति के पहले भी द का प्रयोग करें। धर्म, धर्म ग्रंथ और जाति के पहले द का प्रयोग होता है। द हिंदूज, द मुस्लिम्स, द क्रिश्चियंस, द रामायण, द महाभारत, द कुरान, द बाइबल, द इंग्लिश, द रशियन, द फ्रेंच, इन सब के पूर्व द का प्रयोग होता है। धर्म, धर्म ग्रंथ और जाति के पूर्व द का प्रयोग। देखिए, द हिंदूज, द मुस्लिम्स, द क्रिश्चियंस धर्म है, द रामायण, द महाभारत, द कुरान, द बाइबल धर्म ग्रंथ है, द इंग्लिश, द रशियन, द फ्रेंच जाति है, तो इनके पहले द का प्रयोग होता है। लेकिन लैंग्वेजेज के पहले द नहीं लगता है, लेकिन लैंग्वेजेज के पहले द नहीं लगता है। द इंग्लिश, इंग्लैंड के लोग, इंग्लिश अंग्रेजी भाषा। द फ्रेंच, फ्रांस के लोग, लेकिन सिर्फ फ्रेंच बोलिएगा, फ्रांस की भाषा नहीं, फ्रेंच फ्रांस की भाषा, तो इसके पूर्व द नहीं है, लेकिन द फ्रेंच यानी फ्रांस के लोग, द इंग्लिश इंग्लैंड के लोग, द का प्रयोग हो रहा है क्योंकि जाति का बोध कर रहे हैं। लेकिन जब भाषा का प्रयोग हो, भाषा का जब यूज किया जाता है, तो उसके आगे द नहीं लगता है। इंग्लिश, हिंदी, फ्रेंच, उर्दू, द यूज नहीं होगा। किसी वस्तु का पार्ट या पोजीशन के पहले, किसी भी वस्तु का पार्ट हो या पोजीशन हो, उसके पहले द का प्रयोग किया जाता है। द बैक, द फ्रंट, द आर्म, द लेग, द टॉप, द बॉटम, द आउटसाइड। द बैक, द फ्रंट, द आर्म, द लेग, द टॉप, द बॉटम, द आउटसाइड, इनके पहले भी द का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ये या तो किसी वस्तु का पार्ट है या पोजीशन बता रहे हैं, तो वहां पर द का प्रयोग होता है। जैसे द बैक क्या है, पोजीशन है, द फ्रंट पोजीशन है, द आर्म क्या है, पार्ट है, द लेग एक पार्ट है, द टॉप पोजीशन है, द बॉटम पोजीशन है, द आउटसाइड पोजीशन है, तो यानी पार्ट और पोजीशन के पहले द का प्रयोग करें। किसी ऐतिहासिक घटना या साम्राज्य के पहले, किसी भी ऐतिहासिक घटना या साम्राज्य के पहले द का प्रयोग किया जाता है। द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, द सेपॉय म्यूटिनी, द गुप्त डिनेस्टी, द मुगल पीरियड, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। देख रहे हैं, ऐतिहासिक घटना है। द सिपॉय म्यूटिनी सिपाही विद्रोह, द गुप्त डिनेस्टी, द मुगल पीरियड साम्राज्य है, तो ऐतिहासिक घटना हो या कोई साम्राज्य हो, उसके पहले द का प्रयोग किया जाता है।